अच्छा, वो जो पूरा बबली के कैरेक्टर की लुक है, फील है, वो कैसे, वो ऐसे ही लिखी हुई थी? आपका क्या इनपुट था? शहजाद साहब के साथ बैठ के आपने कैसे डिस्कस किया? कुछ उस पर हमें डिटेल्स बता सकते हैं? हाँ, मेरे डायरेक्टर में हमारी बात हुई थी इस बारे में कि हमने कैसा रखना है कि ओवर भी ना हो और ख़ास तौर पे ना लुक भी बन जाती। हमें ये था कि एक्टिंग में ना बड़ी थिन लाइन थी, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स में ना वो बहुत सीरियस भी नहीं दिखाई, मज़ेदार दिखाई है, तो वो थिन लाइन क्रॉस होने में पता नहीं चलता कि वो ओवर एक्टिंग कब हो जाती। और जाहिर सी बात है, मैं खुद, मेरी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी खुद थोड़ी नज़ाकत वाली और वो वाली, हाँ, गुस्सा और वो वाली चीज़ें, वो वाली बबली वाली है मुझ में, वो चीज़ है, बदमाशी वाली चीज़ भी, वो एलिमेंट है मुझ में, ये मुझे पता है। लेकिन वो जो जिस तरह का चलना फिरना बैठना और सारी चीज़ें, वो मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। बस वो करते करते, मतलब पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, एक दो ट्रायल्स की, उनको दिखाया, या बस नहीं नहीं हुआ तो ये आना शुरू हो गया? ये किया एक दो सीन्स में, उस तरह मेरे ख्याल से आ भी नहीं पाया, क्योंकि वो शुरू का और एकदम से इतना डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। और फिर जब आप पहली बार किसी डायरेक्टर के साथ भी काम कर रहे होते हैं, तब भी आपको थोड़ा होता है कि उनको क्या पसंद है, कैसा पसंद है क्या। तो वो हमारे डायरेक्टर इतना नेचुरल और इतना, जब तक परफेक्ट नहीं आ जाता वो करवाते रहते हैं। तो जैसे एक सीन था कि मुझे वो खिड़की से जंप, मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स में इन चीज़ों में बिल्कुल कभी ज़िंदगी में एक्टिव नहीं रही हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन चीज़ें की भी, वो हमारा फाइट सीक्वेंस था, करना तो एक लड़का बन के ही था ना मैंने, लेकिन रुके रुके यहाँ रुकते, वो खिड़की वाला फिर जंप कितनी दफ़ा लगाई? पहली बार लगाया तो क्या, कितनी चीखें मारी, क्या बोला कि नहीं मुझे नहीं करना ये? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, ये तो कह ही नहीं सकते। लेकिन फिर क्या, हाउ डिड इट हैपन? पहली बार जंप लगाई, कितना ऊपर था? ऊपर था, ऊपर मेरे लिए तो थोड़ा ऊपर भी बहुत ऊपर होता है, लेकिन ऊपर से जंप लगाना वो, और इतना बिल्कुल ना वो के लगाती रहती है, तो ये बबली तो, हाँ बबली तो है ही ऐसी, वो तो करती रहती है, उसके लिए बड़ी बिग डील थोड़ी है। आपने वो नेचुरल दिखाना था, ये तो नेचुरल दिखाना था, यूं लगाई है, यूं उठी है सब, तो वो बड़ा मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन हो ही गया, बिल्कुल हो ही गया। ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, बट हाँ वो थोड़ा सा चैलेंज होता है। ओके, तो एक वो मुश्किल था। फिर अब आते हैं फाइट सीन की तरफ, ट्रेन का। वो पता है, अच्छा हम समझ रहे थे कि अब अच्छा बबली का पता नहीं किधर दिखाएंगे ट्रैक, एक तो वो बड़ी हैरानी और अच्छा सरप्राइज था कि वो वहाँ मिली गुरु के घर, यू नो, गुरु की तरफ। और फिर जब वो बैक स्टोरी सुनाई, वो तो आई थिंक दैट वाज सो गुड, बिकॉज वो लॉस थे ना हम लोग, क्या हुआ क्या हुआ। और फिर पूरा फाइटिंग का सीन, इतनी छोटी सी आँख और मारी जा रही है, मारी जा रही है। अभी अभी आने से पहले भी मैंने एक दफ़ा वो सीन देखा, एंड वो क्या लगाई है आपने, यू नो, वो लगा तो मैं देती हूँ, वो तो आता है अच्छे से लगाना, लेकिन लगाई कभी जिंदगी में? नहीं 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 लगाई, लेकिन वो आई थिंक वो जो लगाई नहीं है ना जिंदगी में कभी, वो निकल गई। और वो काफ़ी बार हुआ, रेलवे स्टेशन पे जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग होते हैं, बिल्कुल हर तरह के लोग होते हैं, जो भी हो आप थोड़ा कॉन्शियस होते हो। आप, मुझे पता है मैं लड़की हूँ, मैं लड़का बन के कर रही हूँ, और वहाँ पे अगर लोगों को लग रहा है लड़का, या लोग देख भी रहे थे कि नहीं ये लड़की है, तो फिर भी एक होता है कि यार कोई टच ना कर ले, कोई कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं, और हाँ वो, या अगर कोई मुझे धक्का देकर भी निकल रहा है, तो उसके दिमाग में यही है कि कोई लड़का है, तो वो सारी चीज़ें थी। और फिर जब पीटना शुरू किया है, तो उसमें भी ये था कि लग ना जाए, कुछ ना हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हो गया, बस जिस कान अंदर का सब निकाल दिया, पीट दिया, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें होती हैं, चोटें लग जाती हैं, और दूसरे का भी ख्याल करना होता है कि अब आप, असल में मारना ज़्यादा आसान है, अब आप एक्टिंग कर रहे हो ना मारने की, तो वो उसमें काफ़ी ख्याल रखे, लगे भी और लगे नहीं भी। तो कहीं भी एक दफ़ा भी नहीं एक्चुअल किसी को लगाई आपने? क्योंकि एक दो जगह जो साइड पे जब लगी, ये वाली साइड पे जब आपने किया है ना, वहाँ मुझे लगा कि आपने पकड़ के मारा है, वहाँ मुझे लगी है, लेकिन चीटिंग लगी थी, हाथों से कितनी ही लग जानी थी, ये तो हमें नहीं पता ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा तो लेकिन ये हो गया कि वो निकल गया अच्छे से। कोई इतना ज़्यादा ये था कि मेरे बाल फाल जब पकड़े ना उन्होंने, तो इतनी जोर से पकड़े कि मैंने कहा ये एक्टिंग ही हो रही थी, ये कौन सा बदला निकाल रहे हैं अच्छा, और पता है जब वो मार भी रहे हैं ना, तो
यू आर स्क्रीमिंग, आप चीख रही हैं, और अब मुझे समझ आ रही है जब आप कह रही हैं कि वो प्रिटेंड अगर मारना हो तो उसको वो, बट वो चीख बड़ी नेचुरल लग रही थी, वो लग रहा था कि ये पीट रही है और पिट रही है, यू नो. अच्छा, और वो फ़नी बात ये है कि अभी हम असद साहब से भी बात कर रहे थे कि वो जो डब्बा था उसको प्रिटेंड हिला रहे थे. फनी वाज दैट, मतलब आप एक्टिंग कर रहे हो, बैठे हुए हो, आप एक सोच में हो, लेकिन साथ साथ आप हिल भी रहे हो कि ट्रेन हिल रही है, ट्रेन हिल रही है. तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इन्हीं चीज़ों में नेचुरल होना जरूरी है, बहुत मुश्किल होता है ना. ट्रू. अच्छा, फीडबैक कैसा आया, कोई कमेंट, किसी ने कुछ लिखा हो या कुछ कहा हो या कहीं बाय मिली हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अब मुझे बबली बदमाश ही कहते हैं, है ना. अब मुझे, मैं जहाँ जाती हूँ वो बबली बदमाश ही कहते हैं, और भाई तुम तो बड़ी बदमाश हो और ये वाली चीज़ें ना. तो मैं, मेरी थोड़ी बहुत जो अंदर की बदमाशी है ना, मैं जब ड्राइव कर रही होती हूँ तो वो तब निकल रही होती है, घूरियाँ डाल डाल के मैं निकल रही होती हूँ, कोई गलत चला रहा हो, कोई जो है किसी भी तरह का ना, कि स्लो चला रहा हो और रास्ता ना दे रहा हो, तो वो सारी चीज़ें मुझे निकालने का मौका मिल गया था. अच्छा, वो एक सीन है जिसमें वो आपने किया था या वो स्टंट था? मैंने किया था. यहाँ एक्टिंग नहीं चली, बबली बदमाश ने किया था. अच्छा, ओके, इफ यू से सो वी बिलीव इट. मजे का था. अच्छा, कुछ लोगों ने कहा, ये कमेंट्स आए कि बबली बदमाश को थोड़ा सा रगेड, थोड़ी सी रफ लुक देनी चाहिए थी. कुछ लोगों ने कहा शायद हल्का सा मेकअप भी लग रहा है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेकअप तो इतना सा भी नहीं था, सिर्फ एक सीन में था जिसमें वो रिश्ता दिखाने के लिए आते हैं कि रिश्ते के लिए माने का है, तैयार हो जाओ, और वो बाल खोलें उसमें सब. लेकिन उसके अलावा मेरा ख्याल है कि ऐसी ज़रूरत कैरेक्टर में थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी. और मैं कैरेक्टर है, और मैं कंफर्टेबल थी अपनी स्किन में, मैं हूँ कि मैं बग़ैर मेकअप के भी शूट करा सकती हूँ. तो कहीं भी ये बिल्कुल ही, मैंने काफ़ी ऐसे कमेंट्स और चीज़ें भी इग्नोर की, और लोगों के रिव्यूज़ भी इग्नोर किए जिसमें ये बोला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. मेकअप नहीं था? मेकअप तो बिल्कुल. और अभी हम ऑफ कैमरा की बात करें तो सबको बताई थी उनकी आई लैशेज माशाल्लाह नेचुरली बड़ी हैं, तो वो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि शायद वो किया हुआ है, लेकिन अच्छा वो वाला सीन जिसमें वो पकड़ के वो नेचुरली बन गया था, वो बैठने का भी वो सारा कुछ वैसे लिखा हुआ था या आप लोगों ने किया तो ऐसे हो गया? नहीं, ये कुछ चीज़ें तो लिखी भी तो खैर बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा बाकी स्क्रिप्ट्स के कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि स्क्रिप्ट में ऑलरेडी इतना कुछ था. अहमद अली के साथ काम करना कैसा था? अहमद के साथ काम करना बहुत अच्छा था. जितना आप एक्टिंग कर रहे हो तो उसका रिएक्शन इतना अच्छा मिलता है, और फिर वो जब कुछ कर रहा होता है उसके बाद आपको भी रिएक्शन देने का अच्छे से मौका मिल जाता है. और वो मतलब वो सेट पे जब आता था तो थोड़ी देर बाद ही ऐसा लगता था वो अहमद है ही नहीं, वो ही है, वो जिस तरह से चल रहा होता था, हम लाइंस कर रहे होते थे तो वो अहमद तो कहीं से लगता ही नहीं था. मतलब मुसलसल उस कैरेक्टर में रहते थे? हाँ, मेकअप रूम में नहीं, लेकिन सीन से कुछ देर पहले वो परी जाती था.